सारी लांजे पसारे जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे हेलो एडिटर्स, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, वैसे पेड़ से पत्ते गिरने वाला व्हाट्सएप स्टेटस आप अपने खुद का इमेज लगाकर कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल होना है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनने के लिए जो भी मटर्स लगते हैं उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई तकलीफ होती तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको सबसे पहले काइनेमास्टर ऐप ओपन करना है। यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मीडिया में जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है, और उसके लिए आपको जितना अपना सेकंड का स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना रख देना है, और उसके बाद ओके कर दे। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको अपना इमेज सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर अपनी इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं अपनी इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसके लेंथ को आपको पूरे स्टेटस में लगा देनी है। तो इसके लेंथ को पूरे स्टेटस में लगा देने के दोस्तों, आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन कर देना है। और उसके बाद फिर से इस इमेज पर टच करके 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों, आपको इस इमेज से कोई भी एक इमेज पर टच करके यहाँ पर ओवरऑल एनिमेशन में जाकर पल्स एनिमेशन सेलेक्ट कर देना है। ओके कर दे। उसके बाद फिर से एक बार उस इमेज पर टच कीजिए और यहाँ पर कलर फिल्टर में जाकर एक कलर फिल्टर या कौन सा भी कलर फिल्टर चूज़ कर दे, तो मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, और उसके बाद फिर से एक बार इसी पर टच करना है और आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर ब्रिंक टू फ्रंट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा कलर चेंज हो रहा है, इधर ये देखो ब्लिंक पल्स हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और आपको जो इफेक्ट स्केलिंग दिए हुए उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करना, आपको यहाँ पर क्रोमा की में जाकर इनेबल क्रोमा की कर देना है, और यहाँ पर आपको 2850 यही रख देना है। और इसको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग पोजिशन में लाता हूँ। तो स्टार्टिंग पोजिशन लाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर इतना 3-4 सेकंड का भाग है उसको कट कर देना है यहाँ से, और फिर से एक बार इसको स्टार्टिंग पोजिशन में लाना है। तो स्टार्टिंग पोजिशन में लाने के बाद दोस्तों, आपको इसको टच करना है और थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा कर देना है और यहाँ पर नीचे लाना है। तो दोस्तों, ये अब तक हमारा वीडियो अभी तक बन चुका है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको एक और वीडियो की लिंक मिल जाएगी इफेक्ट की, उसको भी आपको सिलेक्ट कर देना है। तो उस इफेक्ट को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रोटेट में जाकर सिर्फ एक बार इस पर टच कर देना है, यहाँ एक बार टच कर देना है। तो उसको टच करने के बाद फिर से एक बार क्रोमा की में जाना है। तो क्रोमा की में जाकर आपको क्रोमा की इनेबल कर देना है, और फिर से एक बार इस पर टच करके इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर लगा दीजिए। तो ऊपर लगाने के बाद दोस्तों, हमारा स्टेटस अभी तक यहाँ तक बन चुका है। तो उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑडियो में जाकर अपना MP3 सॉन्ग सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर लेयर में जाकर अपने लोगों को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर अपने लोगों को लगा देता हूँ। तो लोगों को लगा देने के बाद आपको इसको ब्लेंडिंग में जाकर ब्लेंड कर देना है स्क्रीन का ऑप्शन पर, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों, इसको भी पूरे स्क्रीन में, पूरे स्टेटस में लगा दीजिए, या एडजस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो एडजस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से एक बार लेयर में जाकर मीडिया यहाँ पर बॉर्डर को लगाना है। तो मैं बॉर्डर की बिलिंग अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर इसको सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन कर देना है, और इसको भी पूरे स्क्रीन में एंड तक कर देना है। तो ये देखिए हमारा दोस्तों, कुछ इस तरह से वीडियो अभी तक बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक और बात, यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन स्क्रीन दे उसके ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है, दोनों भी ऑडियो को म्यूट कर देना है, ताकि आपका MP3 सॉन्ग अच्छे से सुनाई दे। तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर पत्ते भी गिर रहे हैं झाड़ से, और अगर आप यहाँ पर इस पत्ते का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर फिल्टर में जाकर 2 नंबर वाला, ये वाला एडजस्टमेंट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये पेड़ से पत्ते गिरने वाला स्टेटस पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसे शेयर करके अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यही था आज का हमारा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और वीडियो में। तब तक के लिए योर टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ।